हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं शाही पुलाव। शादी पार्टी में बनाया जाता है, हम इसको किसी भी ओकेज़न पे घर पे भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही इजी है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किसी भी किराना स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाता है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इसको हम एक घंटे के लिए धो करके अच्छे से भिगो देंगे। देखिए, हमने चावल को बहुत अच्छे से धो करके और फिर भिगो दिया था। एक घंटा हो चुका है और चावल बहुत अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इसका पानी किसी अलग बर्तन में निकाल देंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने जो मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमने सारे खड़े मसाले लिए हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी लौंग, एक बड़ी इलायची, थोड़े से तेज पत्ते, थोड़ा सा जीरा। आप चाहें तो आप इसमें दालचीनी, जावित्री, ये सब चीज़ भी डाल सकते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फ्रेंड्स, राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे। हमें घी क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि हम चावल को बहुत अच्छे से फ्राई कर सकें। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। मसालों को पकने देंगे। गैस के फ्लेम को कम कर देंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चावल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें एक ग्लास पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक ग्लास पानी डाल दिया है। बॉईल होने का वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इनको ढक देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चावल में से पानी एकदम ख़त्म हो गया है। चावल बनके रेडी हो गए हैं। अब हम चावल में थोड़ा सा अनार, हमने अनार छील के रखा हुआ है, अनार के दाने डाल दिए हैं। थोड़े से काजू कट करके रखे हैं, काजू डाल दिए हैं, और थोड़ी सी किशमिश डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, शाही पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप गर्मा गर्म किसी भी ओकेज़न पे बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, लुकिंग में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शाही पुलाव एकदम रेडी हो गया है।
हमने सर्व भी कर दिया है, अब आप इसको जब चाहें तब बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और अपने कमेंट हमसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले आपकी आज की हमारी आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।